नमस्कार साथियों, और स्वागत है फिर दोबारा से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल घर के छत पर मुर्गी पालन पर। और आज का जो वीडियो है वो विशेषकर इस पर है, क्योंकि जैसे जैसे मौसम बदल रहा है और अब बरसात लगने को है ना, और अक्सर बारिश हो भी रही है, लगभग रोज़ ही हो रही है ना। तो उसके लिए हमने क्या चेंजेस करे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ अगर आप देख पाएंगे कि नीचे अब हमने कुछ भी नहीं बिछा रखा है ना। पहले हमने यहाँ पे लकड़ी का बुरादा बिछा रखा था, वो हमने सारा साफ कर दिया है। ठीक है, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि उसका एक नुकसान है कि जो बीट है मुर्गियों की वो सूखने में टाइम लगेगा, या उसके कारण महक आ सकती है ना। लेकिन उससे ज़्यादा महक या बदबू तब आएगी यदि बुरादा बिछावा हो और वो गीला हो, तो उस केस में ज़्यादा बदबू आती है ना। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे इसमें जो खिड़कियां हैं वो बड़ी है, इधर की भी आप देख सकते हैं और अपने इस तरफ की भी आप खिड़की देख सकते हैं। हालांकि इसको ढकते हैं, लेकिन जैसे तूफान चलता है तो कई बार होता है कि जो इसकी पन्नी है वो उड़ जाती है ना। दोनों तरफ हमने अलग पन्नी लगा रखी है और उसके ऊपर से कपड़ा लगा रखा है, तो पन्नी जो है वो उड़ जाती है और उस केस में ही होता है कि अंदर पानी आ जाता है ना। और अगर यहाँ पर बुरादा बिछा रहेगा उसमें पानी पड़ेगा तो उसमें ज़्यादा महक आएगी। इस करके हमने सारा बुरादा यहाँ से हटा दिया है, क्योंकि इन केस अगर पानी आता भी है तो हम झाड़ू से या जैसे भी हम उसको साफ कर पाएंगे है ना। उसके अलावा बस केवल एक यही दिक्कत है कि बीट जो है वो मुर्गियों की कि वो थोड़ा सूखने में टाइम लगता है ना। क्योंकि वैसे तो मौसम में गर्माहट है, अच्छी सूख जाता है, लेकिन मेन दिक्कत हो रही है बारिश की। अभी बरसात शुरू ही हुई है और आगे अभी काफ़ी समय है, लगभग महीना डेढ़ महीना बरसात रहेगी, तो आगे कुछ और चेंजेस भी हमें करने पड़ेंगे है ना। विशेषकर दोनों खिड़कियों का हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो हमने प्लास्टिक लगा रखी है वो तो एक ऑप्शनल है ना, क्योंकि तूफान ज़्यादा आता है तो उसमें उड़ जाती है वो, और तो इसलिए उसके लिए भी हम कुछ उपाय देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। और इसके अलावा आप भी हमें कमेंट में बता सकते हैं कि खिड़कियों के लिए हम क्या करें जिससे कि तूफान में वो उड़े ना, है ना, और बजट में हो, ऐसा भी उपाय हो है ना। क्योंकि ऐसे भी ना हो कि बिल्कुल ही मतलब खिड़कियां लगानी पड़ रही हमें या शीशे लगाने पड़ रहे हैं, ऐसा भी ना हो, लेकिन कुछ ऐसा ऑप्शनल हो ताकि खर्चा भी ज़्यादा ना हो और काम भी हो जाए। तो क्योंकि जिन लोगों ने मुर्गियाँ पाल रखी है हर कोई चाहता है कि बरसात के मौसम में उनके जो बाड़ा है या दड़बा है जो भी आप बोलते हो किसमें पानी ना जाए, तो कुछ ना कुछ उपाय जरूर करके रखते हैं है ना। तो आप अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि पीछे भी जब हमने ये बनाया था उसके कुछ टाइम बाद जब तूफान आया था, तो उस वीडियो में आप लोगों को पता है कि हमारे जो सबसे साइड वाले जो चादर थी वो उड़ गई थी। फिर उसके बाद हमने इनको इस तरह से जो बोल्ट्स होते हैं इसके उससे कसा है ना। तो अब हालांकि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खिड़कियों से जो पानी आने का दिक्कत है उसके लिए हम कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। तो उसके लिए आप भी हमें बता सकते हैं कि क्या कर सकते हैं है ना। और बस ज़्यादा कुछ नहीं, आज की वीडियो में यही है, बाकी आगे कुछ भी हम चेंजेस करेंगे वो आपको दिखाएंगे है ना। और बात करेंगे अंडों की, क्योंकि मुर्गियाँ जो इनके साथ थी उनको हटे हुए लगभग 1.5-2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया और अंडे हमें मिलने शुरू हो गए हैं ना। ये जो मुर्गी आप देख रहे हैं जो पानी पी रही है, ये लगभग अभी दे रही है 1 दिन छोड़ के अंडा इसने देना शुरू कर दिया है ना। तो बाकी जो हमारी
दो मुर्गी हैं, एक इसके बगल में ही है और एक ये काली वाली, ये अभी भी रुकी हुई है। और उसके अलावा जो हमारी ये मुर्गी आप देख रहे हैं जो मुर्गे के ठीक सामने है, इसका एक्चुअली अभी तक हमें मुश्किल से 2 या 3 अंडे मिले हैं, है ना। तो इसके लिए भी आप हमें उपाय बता सकते हैं कि जिनके पास ये नस्ल की मुर्गी है और अगर उनकी मुर्गी अंडों से रुकी हुई है, क्योंकि ये ना तो प्योर देसी है ना प्योर असील है, ये मिक्स है उसकी, तो हो सकता है इस कारण से कुछ ऐसी दिक्कत हो रही हो ना। तो जिनके पास ये ब्रीड है वो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। बाकी इसके अलावा जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक मैं यूट्यूब में डालता था, वो फिलहाल के लिए हमने ग्रुप का लिंक है वो चेंज कर दिया है। और यदि किसी ने भी जुड़ना है तो आप कमेंट्स में अपना नंबर डाल दीजिए, वहाँ पे आप मेरे को बोल दीजिएगा कि ग्रुप में ऐड कर दें ना, क्योंकि पीछे कुछ दिक्कतें हुई थी कि कुछ मेंबर्स ग्रुप में गड़बड़ कर रहे थे, क्योंकि ग्रुप में हमने साफ मना कर रखा है कि कोई भी ऐसे पोस्ट ना करे जिससे किसी को दिक्कत हो, है ना, चाहे वो रिलीजियस हो या पॉलिटिकल हो या कुछ भी ऐसा वल्गर हो, मतलब कुछ भी अश्लील ना हो, कुछ भी ऐसा पोस्ट ना करें आप लोग, ठीक है। जो लोग अभी तक ग्रुप में हैं या जो जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, लेकिन आप मेरे को बोल दीजिएगा। लिंक हमने इसलिए बंद कर दिया ताकि जो भी गड़बड़ करे कि उसको हम तुरंत ग्रुप से बाहर निकालें, है ना। और ग्रुप में केवल ये है कि आप मुर्गियों के बारे में आपस में एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, या किसी के कोई डाउट्स रहते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप में तुरंत हमें मैसेज मिल जाते हैं तो कोई ना कोई इसमें रिप्लाई ज़रूर कर देता है। और यूट्यूब में तो ये है कि कई बार मेरे को भी टाइम नहीं लगता, ड्यूटी में भी बिजी रहता हूँ और घर के भी काफ़ी काम रहते हैं, तो कई बार होता है कि यूट्यूब में ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, लेकिन व्हाट्सएप में कि मैसेज आता है तो कोई ना कोई ग्रुप में से आपको रिप्लाई वहाँ पे ज़रूर कर देगा, है ना। तो आज के लिए फ़िलहाल यही अपडेट थी, और इसी तरह से आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और फिर दोबारा से वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।